खबर गांव की हो या किसान की, महिला की हो या सफल इंसान की, हर अच्छी खबर दिखाएगा ग्रामीण न्यूज। ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज छत्तीसगढ़, मैं हूं प्राची तिवारी। राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने सरकारी स्कीमों से दीनदयाल उपाध्याय का नाम हटा दिया है। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की 5 योजनाओं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम हटाकर उनमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जोड़ दिया गया है, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में बवाल मच रहा है। लगातार 5वें साल भी इस बार फिर से जमीन की सरकारी रेट नहीं बढ़ेगा। जिले में जमीन के कलेक्टर गाइडलाइन रेट की वजह से लोगों पर रजिस्ट्री के दौरान पड़ने वाले बोझ को कम करने और सरकारी और बाजार भाव के अंतर को खत्म करने के लिए गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ाए जाने के आसार हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में शहर के सभी 66 वार्डों में जमीन की कीमत बढ़ाने के बजाय केवल वही गाइडलाइन रेट बढ़ाए जा रहे हैं जहाँ अंतर ज्यादा था और विकास भी हुआ था। तमाम कवायदों के बीच जमीन रजिस्ट्री शुल्क के साथ सरकारी कीमतों पर अब चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराबबंदी पर अपना बयान देते हुए कहा है कि वो शराबबंदी तो करेंगे लेकिन इसको नोटबंदी की तरह नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज को साथ लेकर चलना भी जरूरी है, सभी दलों की सहमति से ही इस पर फैसला लेंगे। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश की कानून व्यवस्था की लचर स्थिति के सवाल को लेकर हंगामा हो गया है। भाजपा विधायक के पूछे सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष की आपत्ति के बाद भाजपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल भाजपा विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि पुलिस की लापरवाही से कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त है, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राजधानी रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास में ना डूबने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि यहां उनसे कार्यकर्ता पूछ रहे थे कि 15 साल सरकार चलने के बाद भी चौथी बार उनकी सरकार क्यों नहीं बनी। दरअसल छत्तीसगढ़ में पार्टी ने सेल्फ विकेट लिया, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से ही बीजेपी को नुकसान हुआ है। साथ ही रमन सिंह ने कहा कि अब वक्त केंद्र और राज्य की योजनाओं को आम लोगों तक ले जाने का है और कार्यकर्ता इस काम में पूरी तरह से जुड़ जाएं। तो ये थी छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आज की बड़ी खबरें। हल्ला शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए ग्रामीण न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना भी ना भूलें। हल्ला शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए सब्सक्राइब करें ग्रामीण न्यूज।